हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, कैसे हमें बेहतरीन इनकम मिल सकती है, फेस्टिवल का जो हमारा सीजन चल रहा है इस समय पे कैसे हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और कैसे हम बेहतरीन इनकम ले सकें, सारे टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि त्योहारों के सीजन में ज्वाइनिंग को कैसे बढ़ाया जाए या ज्वाइनिंग को कैसे कराया जाए, इन सारे विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयार होंगे। एक बार फिर से मैं कीवा का नेशनल ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी लीडर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये जो कीवा इंडस्ट्रीज का ये शानदार प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों चीजें हमें एक साथ मिलती हैं। दुनिया के 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में पैसा और स्वास्थ्य दोनों चीजें कमा पाते हैं, और मैं कहता हूं हमारा ये बिजनेस हमें उन 10% लोगों की तरह बनाने का हौसला देता है, उन 10% लोगों को बनाने का एक मजबूती देता है, उन 10% लोगों की तरह जो दुनिया में सफल भी है, जो दुनिया में हेल्दी भी है, जो दुनिया में कामयाब भी है और जिनके पास बहुत अच्छा पैसा भी है। यानी कि इस कीवा इंडस्ट्रीज प्लेटफॉर्म के साथ हम दुनिया में उन 10% लोगों की तरह काम कर सकते हैं, उन 10% लोगों की तरह बन सकते हैं जो अपनी जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पैसा दोनों चीजें कमा पाते हैं। और ऐसा कहा जाता है जब आपके पास पैसा है और जब आपके पास स्वास्थ्य है तो आपका जीवन जो है वो खुशियों से भरा हो सकता है। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क एनी टाइम। आप इस काम को कहीं से भी और कभी भी कर सकते हो। दुनिया के हर प्रोफेशन, हर काम को करने के लिए एक निश्चित समय चाहिए होता है, एक निश्चित उम्र चाहिए होती है, एक निश्चित एजुकेशन की जरूरत होती है, हर चीज के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूर होती है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए ऐसी कोई भी नियम और शर्तें नहीं होती हैं। आप महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, आप कर सकते हो। आप राजस्थान के रहने वाले, आप एमपी, यूपी, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से के रहने वाले हो, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। यानी कि वर्क फ्रॉम एनी वेयर, वर्क एनी टाइम दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उन 10% लोगों की तरह बनने का मौका तो देता है, लेकिन साथ में आप कहीं से भी कभी भी इस बिजनेस को कर सकते हो। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप इस बिजनेस को कहीं भी पहुंचा सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर हमें सफलता लेनी है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल, जैसे दुनिया के हर काम को करने के लिए एक निश्चित रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं घर में कुकिंग करती हैं, तो कुकिंग के लिए मसाले भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए, यानी बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एक अच्छी कुकिंग करने के लिए, एक अच्छी सब्जी बनाने के लिए, कोई भी डिश बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से इस बिजनेस में एक सफल लीडर बनने के लिए, एक कामयाब लीडर बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, पैसिव इनकम लेने के लिए भी हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और वो रॉ मटेरियल होते हैं लोग। क्योंकि दोस्त, ये बिजनेस जो है वो लोगों का बिजनेस है। अगर लोग ही इस बिजनेस में नहीं होंगे तो टीम कैसे बनेगी? टीम नहीं होगी तो टीम वर्क नहीं होगा, और टीम वर्क नहीं होगा तो पैसिव इनकम नहीं आ पाएगी। यानी कि ज्वाइनिंग, लोगों का साथ आना या लोगों का साथ जुड़ना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, हमारा ऐसा मानना है। और बहुत सारे ये लोग मानते भी हैं कि सर, लोगों का जोड़ना, ये जो बिजनेस है वो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को अपने साथ लाने का बिजनेस है, चैन बनाने का बिजनेस है, लोगों को अपने साथ जोड़ के काम कराने का बिजनेस है। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त, ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, लोगों को बनाने का काम है। लोगों को बनाने का मतलब उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दिलवाने का बिजनेस। सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, जोड़े रखने से काम चलेगा। हेलो, जोड़ने से काम नहीं चलेगा, जोड़े रखने से काम चलेगा। और जब लोग आपसे जुड़ कर के रह पाएंगे तो आप उनको लोग बना पाओगे, यानी आम इंसान से खास इंसान बना पाओगे, जीरो से हीरो बना पाओगे, शून्य से शिखर तक आप उनको ले जा पाओगे। यानी कि आप उनको फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दिलवा पाओगे। इसीलिए इस बिजनेस में हमें लोगों को लाने पे तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन साथ में कैसे उनको हम एक सफलता दिला सके, कैसे उनको हम फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके, इसके ऊपर भी काम करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, लोगों को बनाने का काम है? हेलो, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं है, कि सिर्फ लोगों की आईडी लाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया, ज्वाइनिंग लगा दी और ज्वाइनिंग लगाते गए लगाते गए। दोस्तों, ये बिजनेस में भीड़ करना,
सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम नहीं, हमें क्वालिटी पर्सन चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन लोगों को बनाने के ऊपर भी हमें काम करना है, आम को खास बनाने के ऊपर भी काम करना है, कैसे उसको एक हम इस बिजनेस में कामयाबी दिला सके इसके ऊपर भी हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तब जाके इस बिजनेस में हम एक सफल लीडर, कामयाब लीडर बन पाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बिजनेस की जो पहली बुनियाद है, देखिए लोग आपके साथ क्यों आएंगे, कहते हैं ना ये बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ट्रुथ है कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, अकेला आदमी इस बिजनेस में बहुत कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास जितनी मजबूत टीम होगी वो व्यक्ति उतना कामयाब होगा, जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी उसकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी, यानी कि ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल ट्रुथ है कि इस बिजनेस में अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो लोगों को लाना पड़ेगा और लोगों को बनाना पड़ेगा, यानी कि लोगों को बनाने के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, लीडर बनाने के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ट्रुथ है। लेकिन लोग आपके साथ कैसे आएंगे? दोस्तों लोग आपके साथ आएंगे जब आप लोगों को क्या दिला पाएंगे, भरोसा। कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको एक कामयाब लीडर बनाती है, जो आपको एक सफल लीडर बनाती है, और वो है इस बिजनेस के अंदर ट्रस्ट। क्योंकि देखिए हर कोई पहली बार में कंपनी को नहीं जानता, कंपनी के एमडी को नहीं जानता, कंपनी के ट्रेडर्स को नहीं जानता, कंपनी का हेड ऑफिस नहीं देखा, लेकिन फिर भी लोग अगर आपको अपने मेहनत की कमाई में से 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया निकाल के देते हैं स्टॉक पॉइंट खुलवाने के लिए, आपको 2,000 रुपए देते हैं ज्वाइनिंग के लिए, या आपको कुछ पैसे देते हैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, इन सबके पीछे जो सबसे पहली चीज है वो ट्रस्ट। क्योंकि आपकी बातों से उनको भरोसा झलकता है। लोग आपके साथ जब ही जुड़ेंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आपकी बातों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपकी बातों के अंदर लोगों को सच्चाई दिख रही होगी, तब लोग आपकी बातों पे भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी टीम बनेगी, तब जाके आप बेहतर व्यापार करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं भरोसा ही नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है। प्रोडक्ट बाद में, प्लान बाद में, प्रोफाइल बाद में, कंपनी बाद में, सिस्टम बाद में, अप्लाइन बाद में, सब कुछ बाद में, डेमो बाद में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ट्रस्ट, भरोसा। क्योंकि भरोसा ही नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है, इसीलिए लोगों को भरोसा देने की कला, लोगों को भरोसा दिलाना आना चाहिए। और ये आएगा जब आप इस बिजनेस को बहुत ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे, तो आप लोगों को भरोसा दिलाने में भी क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। देखिए सिंपल चीज, सेलिंग। जब ये बिजनेस में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? अपना प्लान बेचते हैं, सपने बेचते हैं, हम प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि KLT रूल ऑफ सक्सेस। देखिए एक रूल होता है KLT, यानी कि नो लाइक एंड ट्रस्ट। पीपल लव टू बाय फ्रॉम दोज हुम दे नो लाइक एंड ट्रस्ट। लोग उसी से खरीदना पसंद करते हैं जिसको वो जानते हो। पहली शर्त क्या होती है? लोग उससे खरीदना पसंद करते हैं, या तो वो उसको जानते हो, या फिर उसको लाइक करते हो, या फिर उसको पसंद करते हो। देन तीसरी चीज होती है ट्रस्ट, या फिर उस पर भरोसा करते हो। कोई भी व्यक्ति इन तीन कारणों से किसी भी व्यक्ति से कोई चीज खरीदता है या उसके साथ जुड़ता है, या तो वो उसको जानता हो तो वो किसी के साथ जुड़ेगा, या वो उसको पसंद करता हो, या वो उस पर ट्रस्ट करता हो। इसीलिए पीपल लव टू बाय फ्रॉम दोज हुम दे नो लाइक एंड ट्रस्ट। लोग उसी से खरीदना पसंद करते हैं, उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिसको वो जानते हो, या जिसको वो पसंद करते हो, या जिस पे वो भरोसा करते हो। तो हमें लाइक, नो एंड ट्रस्ट के चीजों को समझना है और लोगों को भरोसा देने। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई हमें लाइक भी कर लेगा, हर कोई हमें जानता भी होगा, लेकिन हर किसी को हम भरोसा जरूर दिला सकते हैं। इसीलिए ट्रस्ट का जो आर्ट है, भरोसा देने की जो कला है, उसमें हमें मास्टरी करने की जरूरत है। लोगों को भरोसा दिलाना हमें आना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि लोग उन्हीं चीजों से खरीदना या उनके साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं जिनको वो, या उनको ही सुनना पसंद करते हैं? ऐसे लोगों की बात भी लोग सुनते हैं जिसको वो जानते हो, या जिसको वो पसंद करते हो, जिस पे वो भरोसा करते हो। नो लाइक एंड ट्रस्ट। तो इसीलिए दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी अगर आपको लोगों को अपने साथ जोड़ना है, लोगों को अपने साथ लाना है, तो आपको ट्रस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है सर, आज आप तो बात कर रहे थे फेस्टिवल के बारे में,
तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इंडिया कैसा कोई भी मंथ नहीं होता है जिसमें फेस्टिवल ना हो, क्योंकि त्योहारों का देश है। हमारा देश क्या है? त्योहारों का देश है। बहुत सारे पर्व त्योहार फेस्टिवल्स यहाँ पर होते हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल मंथ नहीं है कि इस मंथ कोई स्पेशल फेस्टिवल है। एवरी मंथ इंडिया के अंदर कोई ना कोई, किसी ना किसी स्टेट का, किसी लोकल एरिया का कोई ना कोई बड़ा पर्व और त्योहार होता है, तो उससे संबंधित भी आज हम बात करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोगों को बिजनेस फैलाना, जो कि है भरोसा, ट्रस्ट की बुनियाद पे हम लोगों को बिजनेस के अंदर लाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम ये जानते हैं, आज है तो कल है, और हमें हर पल व्यापार के संग रहना है। दोस्तों आज अगर हमारा बेहतर होगा तो कल हमारा बेहतर होगा, और उसकी बेहतरी के लिए हर पल हमें व्यापार यानी कि कीवा बिजनेस के संग रहना है। और आज आपको ये जरूर जानने को मिलेगा कि त्योहार में ढूंढे आपका व्यापार कैसे, त्योहार में भी हम अपना व्यापार ढूंढ सकते हैं, क्योंकि व्यापार है तो खुशी है, बिजनेस है तो खुशी है, व्यापार होगा तो घर में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो सारे फेस्टिवल, सारे त्योहार बेहतर होंगे, और ज्वाइनिंग है तो जीवन है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पॉइंट होगा, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पॉइंट होगा तो आपके पास बड़ा चेक आने से, बड़ी इनकम आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रह सकती। तो इसीलिए अगर आप अपने कल को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आज पे काम करिए, और हर पल इस कीवा बिजनेस के साथ बने रहिए, और ये कीवा बिजनेस आपके हर त्योहार में आपको नया व्यापार ला करके देगा, और यही व्यापार आपके जीवन में खुशियां लाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आपके पास आएंगी तो आपके पास आ सकता है ढेरों पैसा, और फाइनेंशियल फ्रीडम, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए जो भी बात है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने कल को बेहतर करना चाहते हैं तो जो कीवा इंडस्ट्रीज का ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इसके साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, टिके रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस के अंदर कामयाबी का सबसे पहला मूल मंत्र है। अब सवाल उठता है दोस्तों, कैसे हम, हाउ टू इंक्रीज ज्वाइनिंग इन फेस्टिवल टाइम, फेस्टिवल टाइम के अंदर अपनी ज्वाइनिंग को कैसे बढ़ाएं। देखिए कोई भी काम जो होता है ना, वो अचानक से नहीं होता है, सडन नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ प्लान आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान ही सब कुछ नहीं होता, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। इसीलिए कोई भी फेस्टिवल, फॉर एग्जाम्पल अब दिवाली आने वाला है, दिवाली का त्योहार आने वाला है, इसके बाद और भी त्योहार आएंगे, दशहरा, दिवाली, ये सब त्योहार आने वाले हैं। हमेशा कोई भी फेस्टिवल जब भी आता है तो उसके लिए हमारा प्री प्लान होना चाहिए, क्योंकि हम ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब फेस्टिवल का टाइम आएगा तो हमारी टीम मेंबर्स के बहुत सारे लोग जो हैं वो उस फेस्टिवल को मनाने में बिजी हो जाएंगे, हम भी बिजी हो जाएंगे, छुट्टियां भी होंगी, बैंक हॉलीडेज भी होगा, लोगों के एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे, ये सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए। यानी कि कोई भी फेस्टिवल जब आता है, प्री प्लान फॉर लेस स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस कम लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस महीने का आपका बिजनेस अच्छा हो, जैसे नेक्स्ट मंथ दिवाली है, तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका स्ट्रेस कम हो तो इसके लिए आपको प्री प्लान करना पड़ेगा, प्लान एट 2 मंथ इन एडवांस। आपको लगभग 2 महीने पहले एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 2 महीने बाद अगर दिवाली है तो मुझे किस तरीके से उस महीने में अपने बिजनेस को करना है, कौन सी अपनी बिजनेस की थीम रखनी है, कैसे मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन हमें अपनी टीम को देना है, कैसे कैसे एक्टिविटीज हमें टीम में करवानी है, कब बैंक हॉलीडेज है, कैसे इसके बारे में अपनी टीम को इन्फॉर्म करना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर, कौन सी खास विषय के ऊपर हमें टीम को ट्रेंड करना है, कौन से सीजन है और किस सीजन में कौन से प्रोडक्ट के ऊपर बेहतर बिजनेस हो सकता है, कम समय में बड़ा व्यापार खड़ा किया जा सकता है, इसकी एक्टिविटीज और थीम को ध्यान में रखते हुए आपको पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, जब क्लोजिंग नजदीक आ जाती है ना, उसके बारे में, जैसे बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच लगभग 3 से 4 दिन का बैंक हॉलीडेज है, 1 से 5 के बीच लगभग 4 दिन की छुट्टियां हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि उनका कोई प्री प्लान नहीं है, वो सोच रहे होंगे कि मैं 1 से 5 के बीच बिजनेस को बहुत बड़ा कर दूंगा, जबकि जब वो 1 से 5 के बीच जाएंगे तो ना तो बैंक खुल रही होगी, हो सकता है एक आध दिन कीवा का ऑफिस भी बंद हो, और बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को आए। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है, लोग भी अपने घरों में फेस्टिवल्स को लेकर के बिजी हो, तो अगर आप अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहते हैं तो कोई भी फेस्टिवल के लिए आपको प्री प्लान होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, अगर आप तनाव से बचना चाहते हैं, तो आपके पास प्री प्लान होना बहुत जरूरी है। अंत समय में कुछ भी नहीं होता है, लोग आखिरी समय में प्रयास करते हैं
और आखिरी समय में, और मेरी बात से आप सहमत हो तो मुझे चैट बॉक्स में जवाब जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर ट्रेनिंग दे रहा हूं या मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मैं अकेला बोल रहा हूं। मुझे आपका जवाब जरूर चाहिए। क्या मेरे फर्स्ट पॉइंट से आप सहमत है कि प्री प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है? आपको पता होना चाहिए कब छुट्टियां हैं, कब बैंक हॉलीडेज है, कितने दिन की छुट्टियां हो सकती है, कौन कौन सी मैं एक्टिविटीज कर सकता हूँ, किस प्रोडक्ट पे काम करवा सकता हूँ, किस चीज का सीजन है। जैसे मैं पता है कि नेक्स्ट मंथ दिवाली बेशक है लेकिन एग्रीकल्चर का सीजन है, लोग यूपी एमपी बहुत सारे स्टेट में कहीं आलू की बुवाई हो रही होगी, कहीं गेहूं बोया जाएगा, कहीं कुछ, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर काम करना चाहिए। डिफाइन योर टारगेट मार्केट। जैसे मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट मंथ हमें पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर का सीजन है तो इजिली बिजनेस हमें एग्रीकल्चर से मिल सकता है, तो अपने टारगेट मार्केट को डिफाइन करके रखिए। अगर कोई स्पेशल सीजन है, स्पेशल फेस्टिवल है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है। इसके बारे में हमें एक दो महीने पहले से इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अ हैशटैग टैगलाइन विल हेल्प फ्रॉम योर प्रमोशन। हमारा जो सोशल मीडिया प्रमोशन है ना, उसमें एक टैगलाइन हम जरूर, कोई स्पेशल लाइन, जैसे आज मैंने मीटिंग का एक स्पेशल टैगलाइन रखी जिसकी वजह से आप लोग जुड़े, आपको क्या किया, दिमाग में गया। अब मैं नॉर्मल मीटिंग की तरह टैगलाइन रखता तो बहुत सारे लोग तो आज की मीटिंग में आते ही, लेकिन मैंने टैगलाइन क्या रखा, त्योहारों में ज्वाइनिंग को कैसे बढ़ाए। तो आपके दिमाग में क्लिक किया, अच्छा इस महीने तो त्योहार बहुत सारे हैं, बिजनेस मेरा अच्छा हो, बिजनेस स्टेबल रहे, तो आज की मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए भी इस तरीके की टैगलाइन की हेल्प ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। कैसे बनाएं इस महीने, कैसे बनाएं अपनी हर दिवाली को, कैसे बनाएं इस दिवाली को और दिवाली से बेहतर, इस तरीके की टैगलाइन अगर होगी लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी लिखी हुई जानकारी को पढ़ेंगे। वर्क ऑन योर लिस्ट। अब क्या करना है, जब आपने टैगलाइन बना लिया तो आपके पास जो लिस्ट है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको आपकी जो लिस्ट है, जिन लोगों को आप जानते हो, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि कैसे मैं हर व्यक्ति तक अपनी टैगलाइन, अपने प्रमोशंस को सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू, वीडियो मार्केटिंग के थ्रू, कैसे अपनी लिस्ट तक, अपने जानने पहचानने वाले लोगों तक इसको पहुंचा सकूं, इसके बारे में हमें काम करना है। फ्री मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपने देखा होगा फ्री मार्केटिंग, आपने देखा होगा जूते के साथ सॉक्स फ्री आते हैं, लोग जूते खरीद के आ जाते हैं, किसी शैम्पू के साथ एक पेस्ट फ्री आ जाता है, लोग शैम्पू खरीद लेते हैं। तो फ्री मार्केटिंग, हम भी बहुत सारे लोगों को पिछले एक साल से बाई वन गेट टू का ऑफर मिल रहा है, बाई वन गेट टू का ऑफर पिछले एक साल से लगभग हमें मिल रहा है, इस मंथ भी मिल रहा है। तो बाई वन गेट टू के ऑफर को अपनी तरफ से फ्री मार्केटिंग के तरीके से आप फ्री ऑफर, फ्री प्रोडक्ट्स के जरिए से आप लोगों को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, लोगों को आकर्षित कर सकते हो। तो फ्री मार्केटिंग का प्रमोशन जो है वो फेस्टिवल के सीजन में बहुत काम करता है। तो फ्री मार्केटिंग के ऊपर आप काम करिए, जो जो प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं, क्रॉस सेलिंग आप कर सकते हैं, कोई किसी खास प्रोडक्ट के साथ कोई कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, कॉस्मेटिक के साथ वेलनेस दे सकते हैं, अगर कोई ऐसे तरीके से या किसी खास परचेजिंग के 1,000 या 2,000 रुपए की परचेजिंग पे अगर आप कोई फ्री प्रोडक्ट देना चाहते हैं, तो ऐसी फ्री ऑफर प्रोडक्ट्स फ्री मार्केटिंग के थ्रू इस महीने हम अपनी ज्वाइनिंग को, हम अपने बिजनेस को, जितने भी स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट है, अपनी सेल को काफी अच्छा कर सकते हैं। ये आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी दे सकते हो, आप किसी एक्स वाई जेड अननोन पर्सन को भी दे सकते हो, आप किसी प्रोस्पेक्ट को भी दे सकते हो, आप अपने स्टॉकिस्ट को भी दे सकते हो कि इस महीने अगर इतने की बिलिंग होगी तो मेरी तरफ से ये ऑफर आपको रहेगा। तो फ्री मार्केटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस को बेहतर बेहतर और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। नए व्यक्ति को हम ये जरूर दिखाएं कि कैसे इस महीने अगर आप वो आपके साथ जुड़ेगा तो फेस्टिवल के सीजन में लोगों का वैसे भी खर्चा ज्यादा होता है, और अगर हम उनको ये दिखाएं कि कैसे हमारे साथ जुड़ने पे आपकी मनी सेविंग, कैसे आपका पैसा बच सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि दिवाली के बाद तक ऑफर चल रहा है, नहीं, दिवाली से 5-7 दिन पहले तक ऑफर आप दे सकते हैं, इस महीने की दशहरे से पहले पहले ऑफर दे सकते हैं कि लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड ऑफर है सिर्फ 30 तारीख तक के लिए, तो लोगों को पता है हमारे पास 7 दिन का टाइम है। और ROI जरूर दिखाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लोगों को ये लगना चाहिए कि अगर 1,000 रुपया वो आपके पास दे रहे हैं, 1,000 रुपए अगर आपको दे रहे हैं वो, तो उनको 2,000 या 3,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, 2,000 रुपए 3,000 रुपए वर्थ का प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि उनको लगना चाहिए कि उनका पैसा भी बच रहा है और उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको जो रिटर्न है ना वो ज्यादा मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों को इस बिजनेस में जोड़ सकते हो कि एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी इस साल आपकी दिवाली पे आपको या दशहरे पे आपको एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ताकि आपके जीवन की आपके परिवार का हर दिवाली ईद दशहरा रक्षाबंधन जितने भी पर्व और त्योहार है सारे बेहतर बेहतर और बेहतर हो सके। तो एक्स्ट्रा इनकम के नाम पे भी आप लोगों को इस फेस्टिवल में लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, आप बता सकते हैं कि जब हम ज्यादा मिठाइयां ज्यादा तले हुए या ज्यादा मिर्च मसाले वाले आइटम जब हम खाते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे तो हमारे हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है, और तेल रिफाइंड ये जो डालडा ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। तो रिफाइंड है तेल है या दूसरी तमाम जो चीजें हैं वनस्पति तेल है, कैसे ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे अपने फूड को हेल्दी बनाए अपने खाने को हेल्दी बनाए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ इज वेल्थ को पीवा राइस ब्रांड ऑयल के साथ कैसे इस दिवाली को हेल्दी दिवाली बनाए। तो ऐसे टैगलाइन ऐसे प्रमोशन या ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? अगर आप सारे पॉइंट से एग्री कर रहे हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बता सकते हैं। गिफ्ट हैम्पर आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट हैम्पर बना सकते हो अलग अलग, जैसे वेलनेस किट का एक हैम्पर बना दिया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जैसे हमारी ब्यूटी किट्स है, आपको पता है बहुत सारी महिलाएं हैं अब दशहरा दिवाली के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं महिलाएं जो हैं वो फेशियल करवाती हैं या अपने थोड़ा पर्सनल केयर पे ध्यान देती हैं, तो इस टाइम पे आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हमारी ब्यूटी किट है फेशियल किट्स है इसको आप प्रमोट कर सकते हो। जब लोग ज्यादा मिठाइयां खाएंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट कर सकते हो, वेलनेस किट को आप प्रमोट कर सकते हो, तो ये गिफ्ट हैम्पर आप बना सकते हो, राइस ब्रैन ऑयल को प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग को अपने फेस्टिवल के सीजन के दौरान काफी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप लोगों को बेहतरी से अपने साथ जोड़ना चाहते हो, बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ना चाहते हो, तो इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये जो 9 पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप एग्री करते हैं कि 9 पॉइंट के ऊपर काम करने से अगर हम सही तरीके से प्रमोशन करते हैं काम करते हैं लिमिटेड टाइम के अंदर अगर हम चाहे तो अच्छा बिजनेस हम यहाँ पर कर सकते हैं फेस्टिवल सीजन के दौरान लोगों को अट्रैक्शन मार्केटिंग। देखो फेस्टिवल के दौरान अट्रैक्शन मार्केटिंग के ऊपर काम करना चाहिए, लोगों को आकर्षित कैसे करें इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल टारगेट मार्केट को हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट कस्टमर है जो टारगेट मार्केट है उसको हमें डिफाइन करना है और उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल ये उठता है क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है, हमें ऑडियंस पे रिसर्च करना है किसको हमें कनेक्ट करना है, एग्रीकल्चर का सीजन है तो एग्रीकल्चर, खाने पीने को लेकर के तो राइस ब्राइन ऑयल, महिलाओं को कॉस्मेटिक्स, लोगों के लिए तो डिटॉक्सिफिकेशन वेलनेस, और मेका मोस्ट ऑफ ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और इसको मैं क्या करना है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, पॉपुलर मार्केटिंग ट्रेंड्स हमें चलाने हैं, और ये सारी चीजें हमें कराने पे हमें बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। डूज और डोंट, क्या करना है हमें इस बिजनेस के दौरान, मैं सिर्फ फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस के दौरान क्या क्या चीजें हमें करने की जरूरत है, डूज और डोंट क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखना है हमें रिजल्ट के ऊपर काम करना है। आप कितनी मीटिंग करते हो मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने लोगों को प्लान देते हो मुझे इसकी कोई जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कितना बिजनेस हो जाता है ये दिखाता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी है। मैं तो कह रहा हूं सुबह से शाम तक 10 प्लान दो बंदा एक ना जुड़े तो इससे क्या फायदा, यानी कि हमें काम के ऊपर ध्यान ना देकर के हमें रिजल्ट को क्रिएट करने पे काम करना होता है। देखिए नेटवर्किंग में दो तरीके के लोग होते हैं, एक लोग जो सिर्फ भागते 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 हैं दिन भर पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, एक लोग जो है जो भागते तो कम है लेकिन रिजल्ट ज्यादा क्रिएट कर देते हैं, मेहनत उनकी कम होती है लेकिन रिजल्ट ज्यादा आ जाता है, आउटपुट ज्यादा आ जाता है उनका। तो ऐसे काम हमें करना है कि हमें रिजल्ट को क्रिएट करने पे काम करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हमेशा ध्यान रखिए बिजनेस के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हंग्री होना है, पैसा कमाने की भूख अपने अंदर रखनी है, लालची नहीं होना है, ग्रीडी होने और हंग्री होने में फर्क होता है, भूखा होना और लालची होने में फर्क होता है, पैसे की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, पैसे का लालच नहीं होना चाहिए। तो पैसे की भूख के साथ पॉजिटिव माइंड के साथ हमें इस बिजनेस पे काम करना है। बिगनिंग इज प्लान शो, हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी को प्लान दें, जब भी किसी से हम मिले, जब भी किसी से बिजनेस की बात करें
तीन चीजों पे काम करना है, या तो इस बिजनेस की जरूरत हम उसको महसूस करा सकें, या इस बिजनेस में हम उसके सपने जगा सकें, या उसको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। तीन वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, या तो उनको आप जरूरत महसूस करा सको कि बिजनेस आपके लिए क्यों जरूरी है, या आप उनको सपने दिखा सको, या आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सको। कोई किसी को कोई कर्ज है, किसी का बैंक लोन है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप अपने प्रेजेंटेशन की देते हैं, प्लान में देते हैं, प्रेजेंटेशन में देते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। डोंट बी डेस्परेट, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, लोगों को प्लान दिखाया है, एकदम से ज्वाइन कराने को लेके इतना फोर्सफुली लोगों से बात करते हैं, इतना एकदम लोगों से ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हमें नहीं होना, एकदम से ज्यादा लोगों के साथ हमें फोर्सफुली व्यवहार नहीं करना है। डिसीजन आस्क नॉट गिव, हमें डिसीजन को पूछना है, देना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं कि सामने वाले का ज्वाइनिंग भी करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, लेकिन उससे काम नहीं करा पाते, क्योंकि वो आपके फोर्स की वजह से बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेता है, आपके अग्रेसिव नेचर या अग्रेसिव फोर्सफुली आप डिसीजन को थोप रहे हैं तो वो आपके साथ ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन काम नहीं कर पाता। इसीलिए नीड, ड्रीम और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके लोगों को बिजनेस में लाइए और डिसीजन उनके ऊपर छोड़िए, उनको डिसीजन लेने का मौका दीजिए, तब जाकर के लोग आपके साथ काम करेंगे। डिसीजन थोपना नहीं, डिसीजन को क्या करना है, सामने वाले को देना नहीं, डिसीजन को पूछना है, हमें उसको लेने का हमें मौका देना है। इफ नॉट स्टार्टिंग नाउ कैन गिव लॉस, उसको ये समझ में आना चाहिए, आपकी बातों से उसको लगना चाहिए कि अगर उसने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया तो एक बहुत बड़ा नुकसान उसको हो जाएगा या वो कुछ खो देगा, ऐसी फीलिंग्स उसको आनी चाहिए, तब जाके वो आपको बिजनेस को ज्वाइन करेगा। पर्सनल एश्योरेंस, बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार बनिए और लोगों को ये भरोसा जरूर दीजिए कि मैं आपके साथ हूं। जैसे कि आप कोई मोबाइल फोन लेने जाते हैं, अब जब मोबाइल फोन लेने जाते हैं वो बोलता है कि अच्छा, आप पूछते हैं इस मोबाइल की वारंटी कितनी है, वो बोलता है सर एक साल की इसकी वारंटी है। आप उससे अगर पूछते हैं अच्छा एक साल से पहले अगर ये खराब हो गया तो, सोचिए अगर उसका जवाब ये हो कि सर खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, आप सर्विस सेंटर पे जाइए, वहां मोबाइल को देकर के आइए, आप सर्विस का जो भी अगर एक साल से पहले खराब हुआ तो सर्विस सेंटर वाले इसकी गारंटी लेंगे, मैं तो सेल्स का पार्ट है मेरा, तो सर मेरा काम सिर्फ मोबाइल बेचना है, मेरा काम मोबाइल ठीक करना नहीं है, मोबाइल ठीक करने के लिए तो आपको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। क्या ऐसा बोल देने से हम मोबाइल खरीदेंगे? अगर वो ऐसा हमें बोलता है मुझसे मोबाइल खरीदेंगे, हेलो मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। जबकि बिल्कुल सच बात भी है, जो मोबाइल बेचता है उसका काम मोबाइल ठीक करना नहीं है, लेकिन अगर वो आपको मुंह पे ऐसा बोल दे, फेस टू फेस ऐसा बोल दे कि सर मेरा काम तो मोबाइल बेचना है, अब खराब हो जाएगा तो आप सर्विस सेंटर पे जाइए, वहां से इसको ठीक कराइए, उन्हीं लोगों की गारंटी है, सर कंपनी का मोबाइल है, मैंने तो बनाया नहीं, तो हम क्या उससे मोबाइल खरीदेंगे? हेलो मुझे सबका जवाब चाहिए, क्या ऐसा बोलने पे मोबाइल लेंगे उससे? सभी लोग लिख रहे हैं सर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन वो क्या बोलता है, अरे सर क्यों टेंशन कर रहे हो, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, मेरे पास आ जाना इसको लेके, टेंशन फ्री हो आप तो टेंशन फ्री होके लेकर के जाइए, बहुत शानदार फोन है सर, मैं बैठा हूं यहाँ पे। यानी कि जब वो आपको पर्सनल एश्योरेंस लेता है, जब वो बोलता है कि मैं बैठा हूं आपके पीछे, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप तो चलिए, आप तो करिए, आप तो खरीदिए, पर्सनल है, चाहे वो उसके लिए जिम्मेदार हो या ना हो, तब हम उससे कोई चीज खरीदते हैं। इस बिजनेस में भी जब आप लोगों को पर्सनल एश्योरेंस दे, सर आप स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके लोगों के पास मैं चलूंगा, आपके साथ आपके बिजनेस को स्टेबल मैं आपको करवाऊंगा, जब ऐसा पर्सनल एश्योरेंस आप लोगों को देते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, चाहे वो बाद में बेशक खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, चाहे वो खुद काम करे, लेकिन पर्सनल एश्योरेंस लोगों को मिलना बहुत जरूरी होता है थोड़ा सा भरोसा और मजबूत होने के लिए। इसीलिए पर्सनल एश्योरेंस जरूर दीजिए, बी ऑनेस्ट बनिए, लंबी चौड़ी बात भी नहीं करनी, लंबा चौड़ा भी नहीं करना है, अरे सर मैं अपनी गाड़ी दे दूंगा, मेरा मोबाइल ले जाना, मेरा लैपटॉप ले जाना, मेरी 4G मशीन ले जाना, ऐसा नहीं। लेकिन जो ऑनेस्ट है पर्सनल एश्योरेंस का, जो ऑनेस्टली हमें जवाब देना है, लोगों को भरोसा देना है कि हम उनके साथ हैं, फॉलो अप इज कंपल्सरी। देखिए इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप बहुत कंपल्सरी होता है। अगर आप किसी से शुरुआत में आप किसी को अगर प्लान देते हैं और 7 दिन में अगर 2-3 बार अगर आप उससे मुलाकात नहीं कर पाते तो ऐसे व्यक्ति को प्लान बिल्कुल नहीं देना है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 6-7 दिन में आप उसको फिजिकली टच नहीं कर पाते हैं
या उससे आप मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फिर प्लान देने की कोई जरूरत नहीं, या उससे आप कनेक्ट नहीं रह पाते, उससे आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, फिर प्लान देने का मतलब क्या? क्योंकि आप फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, फॉलो अप नहीं कर पाएंगे तो फिर प्लान देने का टाइम क्यों वेस्ट करना? प्लान भी उसी को दीजिए जिससे आप फॉलो अप रख सके, क्योंकि फॉलो अप इज कंपल्सरी इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर फॉलो अप बहुत जरूरी है। हैव पेशेंस दोस्तों, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रातों रात इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात ऐसी जरूर आएगी जिस रात को आप एक सफल व्यक्ति महसूस करेंगे और आप अपने आप को कामयाब लीडर मानेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और देती है कीवा, लेने वाला चाहिए। अगर आपके अंदर लेने की ताकत है तो कीवा आप लोगों को देने के लिए तैयार है। इसीलिए पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, और जितने भी पॉइंट्स आज मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को अपने एक्शन मोड के अंदर शामिल कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस फेस्टिवल के सीजन के दौरान लोगों को जोड़ सके। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर जवाब दे सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया। आपका जो भी फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों, तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको समझा पाऊं कि फेस्टिवल के दौरान कैसे काम किया जाता है, कौन कौन से ऑफर, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे हमें काम करना होता है, तो ये सारी चीजें समझाने की, बताने की मैंने आपको कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। और फिर आप सभी से किसी खास टॉपिक को लेकर मैं प्रदीप सिंह राठौर फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा, और आपका प्यार सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे। आपने इतने धैर्य के साथ आज की सेशन को अटेंड किया, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच डियर लीडर्स, और आज का यह दिन शुभ रहे। इस मंथ आपका बिजनेस जो है नई ऊंचाइयों तक जाए, और आपके जिंदगी की हर दिवाली, हर फेस्टिवल जो है बेहतर बेहतर से और बेहतरीन होता चला जाए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।